कोटा शहर में चाकूबाजी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। बैकहोव बदमाश बीच बाजार वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो रहे हैं। ताजा मामला गुमानपुरा थाना क्षेत्र का है। आज अज्ञात बदमाश छावनी फ्लाई ओवर के नीचे खड़े स्टूडेंट पर चाकू से हमला कर फरार हो गए। कोचिंग स्टूडेंट के हाथ व कोहनी में चोट लगी। चाकू से हमला करने की घटना सामने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित स्टूडेंट ने थाने में शिकायत दी। जानकारी के अनुसार कोचिंग स्टूडेंट बीकानेर जिले के लाखनसर का रहने वाला है। पिछले एक साल से कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा है। बुधवार को तड़के 6:45 बजे के आसपास अपने हॉस्टल से साइकिल लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, जब वो छावनी फ्लाई ओवर के नीचे खड़ा हुआ था और अपनी साइकिल पर बैठा हुआ था। इसी दौरान पहले एक बदमाश आकर उससे बातचीत करने लगा, फिर एक बाइक पर दो बदमाश और आ गए। बताया जा रहा है बदमाशों ने गाली निकालने का आरोप लगाते हुए अशोक से झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान बदमाश ने चाकू निकालकर अशोक पर हमला किया। अशोक ने खुद का बचाव किया और साइकिल से उतरकर दूर भागा। Thank you.